नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ ही 26 जनवरी को शुरू हुए गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। विजय चौक पर दिखा गणतंत्र का गौरव। देशभक्ति की धुनों से गूंजा विजय चौक। शक्ति प्रदर्शन के बाद बैरकों में लौटी सेना। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विजय चौक पर पहुंचने के साथ ही बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत हुई। सबसे पहले तिरंगा फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रपति को गार्ड्स ने सलामी दी। इसके बाद विजय चौक पर सेना के बैंडों ने मिलकर ऐसी धुन बजाई जिसको सुनकर ही देश की रक्षा करने वाले वीर जवान हिम्मत, हौसले और भरोसे की उड़ान भरते हैं। बीटिंग द रिट्रीट में इस बार 26 धुनें बजाई गई जिसमें विदेशी धुन भी शामिल रही। थल सेना के 16 बैंड बीटिंग द रिट्रीट समारोह में शामिल हुए। रेजिमेंटल सेंटर और बटालियन के 16 पाइप और ड्रम बैंडों ने अपनी परफॉर्मेंस से समारोह में मौजूद लोगों को रोमांचित कर दिया। नौसेना और वायुसेना के एक एक बैंड भी बीटिंग द रिट्रीट समारोह में शामिल। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बैंड ने भी समारोह में शानदार प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब विजय चौक पर शास्त्रीय संगीत की धुन बजी और समारोह में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी समारोह में शामिल हुए। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी खत्म होते ही विजय चौक पर फहराया तिरंगा सम्मान के साथ उतार लिया और राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक समेत सभी इमारतें रोशनी से जगमगा उठी। With the foot tapping and pride inspiring सारे जहां से अच्छा still resonating in the air to be carried across। भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत 1950 के दशक में हुई जब भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने अपना खुद का बैंड तैयार किया था। हालांकि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पुराने समय में पारंपरिक युद्ध के बाद सेनाएं दिन ढलने के बाद अपने हथियार संभाल कर कैंप में चले जाते थे और वहाँ पर संगीत का कार्यक्रम होता था। प्रकाश की वर्षा कैसे होती है? प्रकाश की वर्षा तो ऐसे होती है जैसे अभी यहाँ विजय चौक पर होती है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। गठबंधन के बाद अपनी पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी को विकास की राह पर ले जाने का वादा किया। एक प्रकार से गंगा और यमुना का यहां पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकली। अगर साइकिल के दो पहिए हैं तो हम और राहुल जी यहां बैठे हुए दो पहिए हैं, बन करके तेजी से आगे बढ़ाएंगे चीजों को। ये विकास का भी पहिया है, खुशहाली के भी पहिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आज हम गुस्से बांटने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। ये एक तरह से गंगा और यमुना का मिलन है। इस गठबंधन से प्रदेश की जनता को फायदा होगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। किसी को शक नहीं है कि आने वाले समय में 300 से पार सीटें समाजवादी और कांग्रेस अलायंस मिलकर जीतने जा रहे हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर बीजेपी के गुस्से और नफरत की राजनीति को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी क्रोध फैलाती है, गुस्सा फैलाती है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है और उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर विपक्ष ने करारा हमला बोला है। विकास किया तो उनको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस ने कहा था 27 साल यूपी बेहाल और उन्होंने कहा था हम सत्ता में वापसी करेंगे, और अगर उनको लगता है कि 27 साल यूपी बेहाल का हिस्सा समाजवादी पार्टी रही उनकी नज़र में, तो समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन क्यों किया? गठबंधन से यूपी को ये साथ पसंद है स्लोगन भी लॉन्च किया गया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों नेताओं ने रोड शो किया। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में बीएसपी को 80, बीजेपी को 47, कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी मायावती पर नरम दिखे, वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के फरीदकोट में रैली के दौरान कांग्रेस और आप पर जमकर हमला बोला। फरीदकोट के कोटकपुरा में पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल पर हो रहे हमलों पर बोलते हुए विरोधियों को भाषा की मर्यादा नहीं भूलने की भी नसीहत दी। दो नेता जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये दो ऐसे नेता कि जिनके मुंह से कभी भी हल्का शब्द नहीं निकलता, जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ ऐसा किया वो बादल साहब के साथ न्याय करेंगे ऐसी आप आशा करते हैं ऐसे लोगों से? लेकिन आज सब भाषा बोली जा रही है, हम आकर के जिसको वो शीला दीक्षित को भी जेल में भरने वाले थे, शुरू से हमारी सरकार होती तो आज पंजाब कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन 8 साल तक कांग्रेस सरकार ने रुकावटें डाली और उसका परिणाम यह हुआ कि बादल साहब को काम नहीं करने दिया। पीएम की रैली में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी मौजूद रही। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 4 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। पंजाब चुनाव में शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पंजाब चुनाव के लिए जालंधर में पहली रैली की थी। उधर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग ने 31 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। केजरीवाल के खिलाफ ये कार्रवाई पैसे लेकर वोट देने वाले बयान के मामले में की गई है। 8 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने गोवा के बेनोलिम विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली की थी। रैली के दौरान केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि वो कांग्रेस और बीजेपी से पैसे लें लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दें। केजरीवाल ने कहा था कि अगर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार पैसे देते हैं तो मना मत कीजिए, उसे ले लीजिए क्योंकि ये आपका पैसा है। बयान के लिए चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी दी थी, जिस पर आम आदमी पार्टी नेता ने आयोग के फैसले को असंवैधानिक और गलत बताते हुए कोर्ट में जाने की बात कही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में एग्जाम के लिए छात्रों को स्माइल मोर की सलाह दी। पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा को त्योहार की तरह मनाने को कहा। पीएम ने नसीहत दी कि इससे प्लेजर लीजिए, प्रेशर नहीं। पीएम ने कहा कि प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, अनुस्पर्धा यानी खुद से कंपटीशन करें। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए एग्जाम में प्लेजर होती है, ज्यादातर लोगों के लिए एग्जाम एक प्रेशर होती है।
निर्णय आपको करना है कि इसे आप प्लेजर मानेंगे कि प्रेशर मानेंगे। जो प्लेजर मानेगा वो पाएगा, जो प्रेशर मानेगा वो पछताएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात करते हुए जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन में मारे गए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। कश्मीर में हमारे जो सेना के जवान देश की रक्षा में डटे हुए हैं, वे हिमस्खलन के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। मैं इन सभी वीर जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। पीएम ने युवाओं से वीरता पुरस्कार से सम्मानित जवानों के बारे में पढ़ने और दोस्तों से शेयर करने की भी अपील की। मन की बात कार्यक्रम का यह 28वां प्रसारण था। सरकार ने मन की बात के आज के एपिसोड की मंजूरी के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। चुनाव आयोग ने मन की बात के एपिसोड को प्रसारित करने की मंजूरी शर्त के साथ दी थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि मन की बात में ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा जिससे 5 राज्यों के वोटर प्रभावित हों। छात्र क्योंकि इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, पीएम ने कहा था स्माइल मोर स्कोर मोर। वहीं साथ ही साथ पीएम ने कोस्ट गार्ड के सभी जवानों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद भी दिया। 7 मुस्लिम देशों के लोगों का अमेरिका में आना बैन करने के फैसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं। अमेरिका में लोग ट्रंप के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में भी फैसले से नाराज लोग भारी संख्या में एयरपोर्ट के बाहर जुटे, ट्रंप और बैन के खिलाफ नारेबाजी की। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों के रिश्तेदार मायूस दिखे। रिश्तेदारों को एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट करने के खौफ के चलते लोगों की आंखें नम हो गई। Sad. I don't know what happened. Who's on Iran, but I feel sad. विरोध कर रहे लोगों को कोर्ट से उस वक्त मामूली राहत मिली जब न्यूयॉर्क सिटी की एक कोर्ट ने आदेश पर आंशिक तौर पर रोक लगा दी। गूगल, फेसबुक, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों समेत दुनिया भर के कई मानवाधिकार संगठनों ने भी आदेश का विरोध किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। नए आदेश का नाम प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंट्री इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स है। आदेश में शामिल 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को 90 दिनों तक वीजा जारी नहीं किए जाएंगे। नए जांच नियम लागू होने तक अमेरिका में कम से कम 120 दिनों तक शरणार्थियों का आना बंद हो जाएगा। ईरान और इराक ने ट्रंप के आदेश पर कड़ा विरोध जताया है। रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल्स मुकाबला जीत लिया है। 5 सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में फेडरर ने नडाल को 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 और 6-3 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में फेडरर की ये 5वीं खिताबी जीत है, जबकि पूरे करियर में ये उनका 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। फेडरर को अपना 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे 38 मिनट तक चले इस मुकाबले के दौरान कई बार नडाल ने शानदार वापसी की, लेकिन आखिरकार मुकाबला फेडरर के नाम रहा। 5 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा फेडरर 7 बार विंबलडन, 5 बार यूएस ओपन और 1 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं। फेडरर और नडाल 9वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में आमने सामने थे। इससे पहले नडाल 6 मौकों पर फाइनल मुकाबले में बाजी जीत चुके थे। इससे पहले 2011 के फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी भिड़े थे, जिसे नडाल ने जीता था।